यूपी पुलिस का बर्ताव एक बार फिर हुआ शर्मसार। छोटे बच्चे के साथ हुई गुंडागर्दी की तस्वीर वायरल। मेरठ में यूपी पुलिस का अमानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया। मंगलवार को मेरठ के बेगमपुल चौराहे पर सड़क किनारे रहने वाले दो परिवारों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों का बचाव कराने गए पुलिस कर्मियों पर झगड़ा करने वालों ने हमला कर दिया। इस बीच पुलिस कर्मी ने 2 माह के बच्चे को एक हाथ से खींच लिया और जमीन पर घसीट दिया। सुरक्षा के नाम पर पुलिस ने भी हद पार कर दी। पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने बच्चे को उठा लिया। बेगमपुल शहर का सबसे व्यस्त चौराहा है। यहाँ पुलिस की ऐसी अमानवीयता देखकर लोग हैरान थे। कुछ लोगों ने बताया कि बेगमपुल पर शराब के नशे में कुछ लोगों ने ट्रैफिक पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस जब बचाव करने गई तो आरोपियों ने पुलिस पर पथराव किया। इसमें 2 पुलिसकर्मियों को चोट लगी। बच्चे के साथ हो सकती थी दुर्घटना। जिस तरह पुलिस ने बच्चे को एक हाथ से घसीटा, उससे बच्चे का हाथ टूट सकता था, नाजुक हाथ उखड़ भी सकता था। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही है और लोग इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की इस हरकत पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। आइए दिखाते हैं लोगों का क्या कहना है। वायरल तस्वीर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश का भविष्य उत्तर प्रदेश का कानून। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान पुलिस के ऐसे बर्ताव पर अफसोस व्यक्त करते हुए लिखते हैं, अफसोस। कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखते हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बच्चे को पकड़ने की। सोचिए अगर इस बच्चे की जगह हमारा बच्चा होता, ये काफी भयानक और डरावना बर्ताव है। तो वहीं एक यूजर राखी त्रिपाठी लिखती है, 15 मिनट से मेरी इस तस्वीर से नजर नहीं हटी है। 1000 वर्ड्स नहीं, 1000 जुल्म है इसमें। जाति का जुल्म, ताकत का जुल्म, वर्दी का जुल्म, अमीरों का जुल्म, घमंड का जुल्म। इस देश की हुकूमत ने जनता को इंसान समझना छोड़ दिया है, शेम। तस्वीर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आशीष कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, सर ये क्या है, बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार देखकर लोगों में बेपनाह गुस्सा है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके इस तरह के बर्ताव से पता लगता है कि कैसे पुलिस वालों ने उत्तर प्रदेश में गुंडों का दूसरा रूप ले लिया है। यूपी पुलिस पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कांग्रेस की कार्यकर्ता पंखुड़ी पाठक लिखती है, सरकार बे औलादों की, पुलिस भी बे औलादों की, मेरठ उत्तर प्रदेश। वहीं कांग्रेस के महासचिव अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखते हैं, शर्मनाक। उत्तर प्रदेश पुलिस के आए दिन जनता के साथ हो रहे अत्याचार और इस तरह के बर्ताव के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल खबर जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।